हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसको कि हम लइया यानी कि मुरमुरा से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी लगता है। पफ्ड राइस यानी कि लइया सभी को खाना पसंद होता है और बहुत ही हल्का होता है खाने में, बहुत ही डाइजेस्टिव होता है। इससे हम एक नाश्ता बनाएंगे जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट में आप ये नाश्ता बना सकते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको बनाना है। और ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लइया ली हुई है, तो लगभग 2 कप के करीब हमने लइया ली है। तो इसे हमें सबसे पहले वॉश करना है। तो आप चाहें तो नल के नीचे इसको अच्छे से आप लगभग 30 सेकेंड तक वॉश करते रहिए, उससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी वीडियो में सामने कि मैं हमें किस तरह से इसको भिगोना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप लगातार नल का पानी इसके ऊपर 30 सेकेंड तक डालते रहिएगा। नल को हमें चलाए रखना है लगभग 30 सेकेंड तक, तो ये लइया पूरी तरीके से भीग जाएगी। जब ये भीग जाएगी तो इसको हमें साइड में रख देना। ये देखिए, इस तरह से पानी डालिएगा। इस तरह से पानी डालने से क्या होगा, ये जो लइया है यानी कि मुरमुरा है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, सॉफ्ट होने लगा ये। अभी इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो गया है। साथ ही देखिए, लइया सॉफ्ट हो गई है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मुरमुरा चाहिए। इससे हम बनाना शुरू करते हैं मुरमुरे का नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये देखिए, इसमें आधी चम्मच के करीब आप सरसों ऐड कर दीजिए यानी कि राई ऐड की है मैंने। लगभग 2 कटी हुई हरी मिर्च हमें ऐड करनी है। साथ ही हम इसमें ग्रेट की हुई अदरक भी ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, जिसको मैंने इसमें कद्दूकस कर दिया है। साथ ही देखिए, थोड़े से करी पत्ते भी आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हरी मिर्च को और अदरक को हमें हल्का सा भून लेना है। तो ये देखिए, ये हरी मिर्च और जो अदरक है ये भून चुकी है। तो अब इसमें हम स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको मैंने लंबा लंबा काट कर ऐड किया है। आप चाहें तो प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा हमें कलर देना है ताकि जो स्वीटनेस है प्याज की वो बनी रहे। और इंस्टेंट नाश्ता है, अगर आप प्याज को ही भूनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो नाश्ता इंस्टेंट क्या हुआ। तो इसलिए प्याज को फटाफट जल्दी जल्दी भूने और हल्का सा कलर दे दे, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो प्याज को ज्यादा भी भून सकते हैं। और ये देखिए, प्याज को मैंने भून लिया है, हल्का सा कलर आ चुका है। और थोड़ा सा जो ये मिक्सचर है इसको मैं साइड में रख दूंगी, इसको मैं डेकोरेट करने के लिए निकाल रही हूँ। और जो बाकी का प्याज है उसके साथ हम नाश्ता बनाना कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो डेकोरेट करने के लिए प्याज को निकालें या ना निकालें, आप पर डिपेंड करता है। और ये देखिए, अब इसमें हम एक आलू ऐड कर रहे हैं। तो एक मीडियम साइज का आलू बॉईल किया हुआ और छोटे टुकड़ों में कटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे जो बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ाएंगी, साथ ही बहुत अच्छा कलर भी देंगी। तो ये देखिए, लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें बॉईल की हुई मटर ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही कटा हुआ शिमला मिर्च और कटी हुई गाजर मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, लगभग 1-1 चम्मच के करीब गाजर और शिमला मिर्च है जो मैंने मिक्स करके ऐड कर दी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो एक साथ हम सारी चीजों को ऐड कर देंगे। सब्जियों को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब सब्जियां हमने ऐड की हैं वो या तो बॉइल्ड है या फिर बारीक कटी हुई है। और ये देखिए, आधी चम्मच आप इसमें हल्दी ऐड कर दें, साथ ही आधी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। सारी चीजों को मिक्स करते हुए, ये देखिए, इस तरह से आप मिक्स कर लें। तो हल्दी और नमक सारी की सारी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएगी और इसको अब हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक ढककर हमें पका लेना है, ताकि सब्जियां जो हमारी हल्की सी कच्ची हैं वो पक जाएं। तो लो मीडियम फ्लेम करके आप इसको ढक दीजिए, तो टमाटर भी गल जाएगा, साथ ही जो सब्जियां हैं जो हल्की सी अभी कच्ची हैं वो भी पक जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब इसको, इस मिक्सचर को हम ढक देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढककर रख देते हैं ताकि जो सब्जियां हैं वो हल्की सी गल जाएं। और ये देखिए, 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया है और ये देखिए, सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, साथ ही टमाटर भी मैश हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मुरमुरा जो हमने भिगो कर रखा था। तो ये देखिए, मुरमुरा आप ऐड कर दीजिए और बहुत हल्के हाथों से इसे हमें टॉस करना है। पर इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले आधी चम्मच हम इसमें ऐड करें गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे मिर्च का पाउडर।
आधी ही चम्मच हम इसमें खटास के लिए डालेंगे अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, तो आप आधा नींबू ले लीजिए, उसको भी आप निचोड़कर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आधा चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीजों को हल्के हाथों से आपको टॉस करना है। तो ये देखिए इस तरह से टॉस कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मुरमुरा होता है ये सोक होने के बाद काफी डेलिकेट हो जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा विग्रसली हमें मिक्स नहीं करना होता है, वरना एकदम ये काफी लुब्धी सी बन जाएगी, तो ये देखने और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब बस फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके बिल्कुल एक मिनट के लिए आप ढक दीजिए, और लास्ट में इसको हरे धनिया से आप गार्निश कीजिए और इसको आप सर्व कीजिए। तो हमारा मुरमुरे से बना नाश्ता, जिसको कि लैया भी बोलते हैं, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ी सी फ्राइड पीनट्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, या कोई भी नमकीन इसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल कर रखा था वो मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। तो प्याज जब मुंह में आता है, ये जो थोड़ा सा सिका हुआ प्याज है, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए थोड़े से वापस से फ्राइड पीनट्स में डाल रही हूँ। आप कोई भी नमकीन इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए 5 मिनट में मुरमुरे का नाश्ता। बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।